top 10 smallest guns. दोस्तों, आपने फिल्मों में गन तो देखी ही होगी। उन छोटे हथियारों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये बहुत ही ज्यादा हल्के होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक गन लगभग 650 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम तक होती है। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास इससे भी हल्की गन हो? इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया में मौजूद सबसे छोटे हथियारों की, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी हथेली तक में छुप सकने वाले ये हथियार काम किस तरह से करते हैं। आगे वीडियो में बताई जाने वाली हर बंदूक काम करती है और दुश्मन को परेशान कर सकती है। वीडियो को पूरा जरूर देखें, और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉप 10 हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 10. सिगरेट केस। एक सिगरेट केस में कैसे कोई गन हो सकती है? ये सवाल जिसने भी पूछा है उसे ये देखकर हैरानी ही होगी। ये केस दिखने में तो बाहर से किसी सामान्य सिगरेट केस जैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर गन का सारा सेटअप मौजूद होता है। इस तरह का सेटअप बड़े ही आसानी से बुलेट चलाने के लिए काफी है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये बहुत कम प्रेशर के साथ बहुत अच्छा वार करे। दोस्तों, जो भी गन के स्ट्रक्चर के बारे में जानता है वो जानता होगा कि बुलेट रिलीज करने में प्रेशर की क्या भूमिका होती है। वीडियो में आगे इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली गन्स मौजूद हैं। 10. ब्रिटिश राइफल। छोटी छोटी ब्रिटिश राइफल। आजादी की लड़ाई पर बनी कोई भी फिल्म उठाकर देख लें, या फिर किसी भी आजादी के समय में म्यूजियम में चले जाएं, वहां आपको इस तरह की राइफल बड़ी ही आसानी से नजर आ जाएगी। लेकिन वो आकार में इस छुटकू जैसी नहीं होगी। इस राइफल का सबसे खास बात इसका मैकेनिज्म, क्योंकि ये शूट भी कर सकती है। और दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको सबसे हैरान करने वाली बात। इस लिस्ट में मौजूद लगभग सारे आइटम्स आज के टाइम के हैं, लेकिन इस राइफल को किसी ने 1850 में बनाया था। कमाल है ना। 8. कोलिब्री कार पिस्टल। अगर आपने अब तक बड़ी बड़ी पिस्टल ही देखी है, तब आपको कोलिब्री कार पिस्टल को जरूर देखना चाहिए। ये अनूठी है और मिनी स्ट्रक्चर का नायाब नमूना है। इसे 1914 में डिजाइन किया गया था। इसे डिजाइन करने वाले थे फ्रांस नल। ये व्यक्ति घड़ियों की दुकान के मालिक थे और घड़ियां बनाया करते थे। एक रोज इन्हें अचानक ही कुछ सूझा और ये जुगत बिठाने बैठ गए। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से इस पिस्टल का निर्माण किया। इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ एक शो पीस नहीं था, ये चल सकती थी और अपने रास्ते में आने वाले को ठिकाने लगा सकती थी, बस वो एक चींटी या छोटा मच्छर हो। दोस्तों, ये इंसानों को भले ही नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन ये है एक बेहतरीन स्ट्रक्चर। 7. फ्लैशलाइट गन। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है नॉर्थ कोरिया का नायाब नमूना, एक फ्लैशलाइट गन। अगर आप सोच रहे हैं कि इससे हमला करके आप दुश्मनों की जिंदगी में अंधेरा कर देंगे, तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। ये इतना बड़ा टास्क नहीं कर सकती, हालांकि एक छोटा हमला जरूर कर सकती है, जिससे होने वाला दर्द एक लंबे समय तक असहनीय रहता है। ये फ्लैशलाइट गन सामान्य तौर पर फ्लैशलाइट जैसी होती है। इनके ऊपर उसी तरह का शीशा चढ़ा हुआ होता है और ये दिखने में बिल्कुल एक फ्लैश जैसी दिखती है, लेकिन दोस्तों, जब उन्हें पुश किया जाता है, तब बूम की आवाज के साथ 3 बुलेट्स शिकार को भेदने निकल जाती हैं। आप ये 3 सर्कल तो देख ही पा रहे होंगे। ये सर्कल ही बुलेट के रिलीज होने की असल जगह है। अब आप खुद को फ्लैश लाइट से भी सावधान रखिएगा। 6. ग्लव गन। एक फिल्म का सीन सोचिए, दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और तभी एक आवाज आती है बूम, और एक हाथ मिलने वाला व्यक्ति बुलेट के कारण गिर पड़ता है। अब सवाल ये कि बुलेट आई कहां से? इसका जवाब भले ही शर्लॉक होम्स भी ना दे पाए, लेकिन मैं दे सकता हूँ। बुलेट मौजूद थी ग्लव के अंदर। अगर आप अपने दिमाग पर जोर डालकर सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो बस इस वीडियो को देखते जाइए। ऐसा हो सकता है ग्लव गन के कारण। ये मौजूद रहती है दस्ताने के अंदर ही, और जब उन्हें पुश किया जाता है तब ये तुरंत शूट कर देती है। इन्हें एक खास टेक्निक से US नेवी द्वारा बनाया गया था। उन्हें लगता था कि उनके नाविकों को इस तरह की बंदूकों की जरूरत पड़ेगी, हालांकि ये कोई नहीं समझ पाया कि उन्हें ऐसे क्यों लगता था, और अगर लगता भी था तो उन्होंने ग्लव गन का प्रयोग क्यों नहीं किया। ये 200 बंदूकों के प्रोडक्शन के बाद से ही अब तक म्यूजियम में पड़ी हुई हैं। 5. रिंग पिस्टल। बहुत से लोग होते हैं जो अपने हाथों में बंदूक लेकर चलते हैं, लेकिन अगर आपने ये पिस्टल खरीद ली तो आप कह सकेंगे कि आप उंगलियों में बंदूक लेकर चलते हैं। ये पिस्टल उसी तरह से काम करती है। आप इसे रिंग की तरह उंगलियों में पहन सकते हैं। ये छोटी सी पिस्टल रिंग के ऊपरी हिस्से से फायर करती है, जहाँ पर अक्सर डायमंड लगा होता है। फायर करने के लिए कमांड देने वाला हिस्सा उंगलियों के बीच में होता है। उसे 2 उंगलियों को जोड़कर फायर किया जाता है। लेकिन इस पिस्टल के साथ के एक दिक्कत है, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है, वह ये कि इसे खरीदने वालों के साथ ये देखा गया है कि 90% लोगों ने खुद को ही चोटिल कर लिया है। इसका कारण है इसका स्ट्रक्चर। ये उंगलियों के जुड़ने से शूट करती है और एक्सीडेंटली ऐसा हो ही जाता है, और जैसे ही उंगलियां जुड़ती हैं, इसकी 6 बुलेट्स अपने ही ओनर को दर्द की गोद में धकेल देती हैं। ये बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं दे सकती, लेकिन ये किसी जोंक के काटने जितना दर्द जरूर पहुंचा सकती हैं। 4. कैनन्स।
कैनन का आविष्कार लगभग 500 साल पहले ही हो गया था, लेकिन अब जिन कैनन की बात करने जा रहा हूँ मैं, वो 500 साल पहले इन्वेंट की गई तोपों से बहुत अलग है। ये छोटी छोटी कैनन दिखने में जितनी ज्यादा क्यूट हैं, वॉर करने में उतनी खतरनाक हैं। बड़े बड़े कोका कोला के कैन हो या फिर किसी तरह की कोई मशीन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन ही क्यों ना हो, ये कैनन किसी को भी नहीं छोड़ती। बूम बूम करके ये कैनन हर तरफ तबाही मचा सकती है। हालांकि ये सब बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होने वाला, और बड़े पैमाने पर होने की जरूरत भी क्या है। इन कैनन के अंदर से 4 मिलीमीटर की बुलेट निकलती है, जो कि बियर की बॉटल्स की एक लंबी चेन और बच्चों की पिगी बैंक सबको आसानी से ठिकाने लगा सकती है। इनकी खासियत ये है कि इनमें बुलेट का साइज छोटा या बड़ा किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों, ये गन हमला करने के लिए नहीं बनी है, इसलिए आपको इसे रखने के लिए किसी तरह की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। 3. किस ऑफ डेथ। इसका नाम अभी भले ही आपको किसी हॉलीवुड की मूवी की तरह लग रहा हो, लेकिन ये अपने नाम की तरह ही भयानक रूप से खूंखार है। ये एक छोटी बंदूक है जो कि लिपस्टिक की शेप में बनाई गई है। बुलेट रिलीज करने वाले पार्ट को लिपस्टिक के ढक्कन से ढक दिया जाता है, जिससे कि कोई भी ये समझ ना पाए कि ये बंदूक है या लिपस्टिक। ये लगभग 4.5 mm शूट कर सकती है। इसका प्रचलन कोल्ड वॉर के समय हो गया था, और तब से आज तक इसको यूज करते हैं। पहले ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स तक ही सीमित थी, लेकिन दोस्तों, इसे यूज करने वाले लोग अब इंडिया में भी पाए जाने लगे हैं। ये वुमेन सेफ्टी के लिए भी एक बहुत ही हेल्पफुल इक्विपमेंट है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 2. लाइफ कार्ड। आपको क्या लगता है ये क्या है? क्या ये एक क्रेडिट कार्ड है? बिल्कुल नहीं, ये एक लाइफ कार्ड है, जो कि एक सिंगल पिस्टल की तरह ही काम करता है। इसे आसानी से जेब में रखकर जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं, और खतरा आने पर ये तुरंत एक हथियार बन जाएगा। लेकिन क्या ये आपकी मदद कर सकता है? जी नहीं, वो तो आपको खुद ही करनी होगी। इसमें एक साथ लगभग 4 बैरल फिल किए जा सकते हैं। इसे बनाते वक्त सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, और ये अचानक से अपने खुद के मालिक को बिल्कुल भी झटका नहीं देने वाली। 1. C1ST। दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे छोटी बंदूक के बारे में। इसे सबसे छोटे होने का खिताब गिनीज बुक द्वारा दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटी सी बंदूक, जिसकी लंबाई बस 2 इंच है, वो इंसान को घायल भी कर सकती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार ये बंदूक दुनिया की सबसे छोटी बंदूक है। किसी इंसान को घायल करने वाली बात पर आप बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं हो गए? नहीं, इस तरह काम नहीं करती जैसे कि आप सोच रहे हैं। ये किसी भी इंसान को केवल दर्द का एहसास करा सकती है। इससे लगने वाली चोट से होने वाला दर्द बाल टूटने के दर्द से भी ज्यादा हल्का होता है। इस काम को ये नहीं कर सकती, और इसे इस काम को करने के लिए बनाया भी नहीं गया है। C1ST एक शोपीस की तरह काम करती है, और इसकी बाजार में कीमत लगभग $5,000 से $6,000 की है। कई स्पेशलिस्ट ये भी मानते हैं कि इसकी ये रकम बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, इसे बनाने के लिए बहुत ही माइक्रो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इसकी ये कीमत जायज है। ये 2.34 mm शूट करती है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे हल्की बंदूकें। इन्हें देखकर आपके मन में बस एक ही शब्द आया होगा, वो है कूल। इनमें से किस गन को आप अपने साथ ले जाना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।